हेलो स्टूडेंट्स, नॉट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. सो टॉपिक्स नेम इज़ ड्वालिटी. सो स्टूडेंट, आज हम ड्वालिटी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. अगर स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइज फॉर्म या मिनिमाइज फॉर्म में होती है, ठीक है, तो उसमें दो कंडीशन होती है. एक होती है प्राइमल और दूसरा कंडीशन होता है ड्यूल, ठीक है. सो स्टूडेंट, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज कंडीशन है तो मैक्सिमाइज कंडीशन में हमेशा जो नेचर होता है वो लेस देन टाइप होता है. किस टाइप होता है? लेस देन इक्वल टाइप होता है, ठीक है. और अगर हम इसका ड्यूल फॉर्म में इसको अगर चेंज करेंगे तो ड्यूल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो सिंबल अगर लेस देन इक्वल टाइप है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सारे सिंबल्स किस नेचर में होना चाहिए? लेस देन इक्वल टाइप में होना चाहिए. तो हम उस प्रॉब्लम का जब ड्यूल प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो सिंबल हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टाइप. किस टाइप में हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टाइप. अब सेम सिनेरियो अगर मिनिमाइज के केस में देखते हैं तो मिनिमाइज के केस में हमारे जो नेचर होता है सिंबल का वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टाइप होना चाहिए. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टाइप में है और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम मिनिमाइज फॉर्म में है तो हम उसको प्राइमल से ड्यूल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो सिंबल है तो वो कैसा हो जाएगा? लेस देन इक्वल टाइप. कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? लेस देन इक्वल टाइप. तो ये इसके रूल्स होते हैं. अब स्टूडेंट, अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उससे हमको यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ड्यूअलिटी में क्या होता है, कि प्राइमर से ड्यूअल में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है. अब हम एक न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं. नाउ लेट अस कि हमारा एक न्यूमेरिकल है जेड मैक्सिमाइज इक्वल्स टू 20x1 प्लस 35x2 प्लस 30x3 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है इसके 5x1 प्लस 6x2 प्लस 8x3 एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 18. नाउ नेक्स्ट कंस्टेंट 4x1 प्लस 6x2 प्लस 10x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 12. नाउ नेक्स्ट कंस्टेंट इज 3x1 प्लस 5x2 प्लस 12x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 15 एंड x1, x2, x3 दिज आर डिसीजन वेरिएबल एंड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये मान लो हमारा कोई प्रॉब्लम है. अब इस प्रॉब्लम को हमको ड्वालिटी से सॉल्व करना है. मतलब हमको इन शॉर्ट प्रॉब्लम क्या करना है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ड्वालिटी फॉर्म, ठीक है. सो अभी आप स्टूडेंट देख रहे हो कि सबसे पहले आपके पास जो भी गिवन प्रॉब्लम है, जब आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो केस क्या है, मैक्सिमाइज है. अब स्टूडेंट मैक्सिमाइज के केस में आपको एक चीज़ जरूर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपको अभी मैंने बताई कि मैक्सिमाइज प्रॉब्लम में जो आपके कंस्टेंट्स होते हैं उनके सारे के नेचर्स क्या होने चाहिए? लेस देन इक्वल होने चाहिए. जैसे फर्स्ट कंस्टेंट है ये लेस देन इक्वल, सो सेकंड कंस्टेंट लेस देन इक्वल और थर्ड कंस्टेंट ये भी लेस देन इक्वल है. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है. मान लो कभी कोई कंस्टेंट ऐसा होता है कि क्योंकि प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइज है, जैसे कि ये लेस देन इक्वल और ये लेस देन इक्वल, और सपोज़ ये होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल होता ना तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या इसका माइनस का मल्टीप्लाई करके इसके सिंबल को वापस लेस देन इक्वल करके इसको कन्वर्ट करके इसको वापस इस फॉर्म में लिखना होता है. पर अभी तो हमारे ये सिंपल फॉर्म में है तो इसमें हमको कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अब स्टूडेंट अब हम अपने प्राइमल फॉर्म पे आते हैं. तो प्राइमल फॉर्म तो यही हो गया. तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में तो प्राइमल फॉर्म तो यही हो गया. इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे या इसको यूँ बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो आपकी मैक्सिमाइज है इसको यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमल फॉर्म. तो प्राइमल फॉर्म में तो आपका एज इट इज़ वही रहेगा, जेट मैक्सिमाइज इक्वल्स टू 20x1 प्लस 35x2 प्लस 30x3 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं 5x1 प्लस 6x2
प्लस 863 इज लेस देन इक्वल्स टू 18, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 10x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 12x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया आपका प्राइमल फॉर्म। तो इसमें तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, जो जैसा था वैसे ही लिख दिया, क्योंकि हमको सिंबल को देखना होता है। तो हमारे सिंबल सारे क्या है, लेस देन इक्वल है। अब हम स्टूडेंट इसको ड्वेल फॉर्म में जब चेंज करेंगे, तो ड्वेल फॉर्म में चेंज करने के लिए अब हम जानते हैं कि जैसे कि मान लो आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइज है, तो उसके सारे सिंबल क्या है, लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप है, ठीक है। अब उसको प्राइमल से ड्वेल में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम अब किस में हो जाएगा, मिनिमाइजेशन के फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, अब यहाँ पर मिनिमाइज करूँगा, तो ये मिनिमाइज के लिए मैं सिंबल भी चेंज कर देता हूँ, वो सिंबल मैं कर देता हूँ जी, सिंबल को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, वो हो गया जी। तो लिख दिया जी मिनिमाइज, क्योंकि ड्वेल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए अब स्टूडेंट आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि इसको मिनिमाइज़ करना है, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि सारे जो रोज है ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सारे जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस यही कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो भी कंस्ट्रेंट से 1, 2, 3, 4 सारे कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की बात करें, तो ये रो फॉर्म में है, ये भी रो फॉर्म में, ये भी रो फॉर्म में, ये भी रो फॉर्म में, तो इसको हमें क्या करना है, कॉलम फॉर्म में ट्रांसफर कर देना है। तो देखिए सबसे पहले जी मिनिमाइज करना है, तो जी मिनिमाइज करना है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लिखें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारी जो सॉल्यूशन वैल्यू होगी जो हो गया आपका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कौन कौन सा है, ये राइट हैंड साइड है 18, 12 और 15। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये लिख देंगे 18y1 प्लस 12y2 प्लस 15y3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना होगा, 18y1 प्लस 12y2 प्लस 15y3। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो देखिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को आपको, जैसे कि मान लो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो ये जो x1, x1, x1 ये जो टर्म्स दिख रही है, जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं x1, 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 इसमें कोफिशिएंट कितने दिख रहे हैं, 5, 4 और 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, क्योंकि इसको ये जो रोज फॉर्म है इसको कॉलम फॉर्म में, तो 5y1 कर सकते हैं प्लस 4y2 प्लस 3y3, इतना हो गया। अब चूंकि आपका सिंबल क्या था, लेस देन टाइप था, अब चूंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, अब आपका जो सिंबल होगा, जो नेचर होगा, ये किस तरह हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड दैट इज सॉल्यूशन वैल्यू, तो वो क्या लिखें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे आना पड़ेगा, अब देखिए कि ये जो आपका प्राइमल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वेरिएबल्स थे, अब ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, सॉल्यूशन वैल्यू का काम करेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट कंस्टेंट्स के लिए तो आपका कितना हो गया 20। अब उसी तरह अब हम सेकंड कंस्टेंट की, इस कंस्टेंट की बात करते हैं, x2 कोपिशेंट वाले कितने दिख रहे हैं प्राइमल में, 6, 6, 5, तो इसको लिख सकते हैं हम। तो हमारा सेकंड कंस्टेंट क्या हो जाएगा, 6y1 प्लस 6y2 प्लस 5y3। आप सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या लिखना है स्टूडेंट, 35। तो मैंने लिख दिया 35। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, 8x3, 10x3 और 12x3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 8y1 प्लस 10y2 प्लस 12y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे y1, y2, y3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमने इसको प्राइमल से ड्वेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया हो, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अब हम जब दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर, मतलब वहाँ पर भी यही यूज़ करना है।
तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि प्राइमल में कैसे लिखना होता है और ड्वेल में कैसे लिखना होता है। ठीक है, सो अब हम इसके रिलेटेड एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपके और भी कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, हमने एक और न्यूमेरिकल लिया है। सो न्यूमेरिकल है आपका, तो ये क्या है, मिनिमाइज जेड इक्वल टू 10x1 प्लस 20x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट कंस्टेंट x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 और x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, अब हम इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं, सो आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ नई दिख रही है। नई क्या दिख रही है, तो हम जानते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आपका, मिनिमाइज का है। तो मिनिमाइज के फॉर्म में आपको सारे जो कंस्टेंट्स होते हैं उसका नेचर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंस्टेंट दिख रहा है, तो ये फर्स्ट कंस्टेंट में तो ये जो सिम्बॉल दिख रहा है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कंस्टेंट में भी जो सिम्बॉल दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो थर्ड कंस्टेंट जो दिख रहा है आपका 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, सो आपको यहाँ पर जो कंस्टेंट्स है कैसा दिख रहा है, लेस देन इक्वल। सो लेस देन इक्वल तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो हमें इसको लेस देन इक्वल कंस्टेंट वाले को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फिर हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं आप स्टूडेंट प्राइमल फॉर्म, क्या लिख लेते हैं प्राइमल फॉर्म। तो प्राइमल फॉर्म लिखने के लिए जेड मिनिमाइज इक्वल्स टू 10x1 प्लस 20x2 और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो ये कितना हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद देखिए, अब चूंकि ये सिंबल कैसा है, लेस देन इक्वल है, तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का, तो 2x1 प्लस x2, अब चूंकि ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा माइनस 6, और अब मैं लिख देता हूँ इसको x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्राइमल फॉर्म में हो गया। अब इसको हमको एक्चुअल में इसको ड्वेल फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो मिनिमाइज है उसको हमको ड्वेलिटी फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ड्वेलिटी फॉर्म में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब लिखेंगे हम ड्वेल, क्या करेंगे ड्वेल। तो ड्वेल कैसा होगा देखिए, आप सबसे पहले आपने लिख दिया जी, आपने यहाँ पर अभी क्या लिया था जेड लिया, अब हम जी लिख देंगे। ठीक है, अब ड्वेल फॉर्म में हम सिंबल को अलग रखते हैं, तो जी लिख के आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका मिनिमाइज था तो आपने कर दिया स्टूडेंट मैक्सिमाइज। अब मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन वैल्यू दिख रही है जो कि था राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कितना था, यहाँ पर हो जाएगा 18y1 प्लस 8y2 माइनस 6y3। क्लियर हुआ स्टूडेंट, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब पहले हमारा क्या था, मिनिमाइज केस था, अब क्या हो गया स्टूडेंट हमारा मैक्सिमाइज केस हो गया। अब उसके बाद हमको आना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इसमें आना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में आप क्या देखते हो, ये देखिए x1 के कोफिशियंट वाले टर्म्स देखो आप, तो 3 है, फिर इसका 1 है और इसका -2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3y1 प्लस ये हो जाएगा आपका y2 और -2y3। अब चूंकि सिंबल कैसा था प्राइमल में, ग्रेटर देन इक्वल, अब चूंकि केस किसका हो जाएगा ड्वेल में मैक्सिमाइज, तो हमारा जो कंस्ट्रेंट हो जाएगा लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल, अब हम आ जाएंगे प्राइमल के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो x1 और x2 इसके कोफिशिएंट, तो x1 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 10, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 10। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब उसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट्स में हम आते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो x2 में 2, x2 में 3, फिर x2 में 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 2y1 प्लस 3y2 और ये हो जाएगा आपका प्लस y3। क्लियर, अब सिंबल कैसा है, अब इसका सिंबल हो जाएगा लेस देन इक्वल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 20। अब हम क्या करेंगे y1
कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि प्राइमर से ड्वेल में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं जिससे आपको और आइडिया मिल जाएगा और वेराइटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम करते हैं। सो स्टूडेंट, ये एक अलग न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? आफ्टर द ड्वेल ऑफ द फॉलोइंग एल पी पी मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू एड एक्स वन प्लस टेन एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट इज एक्स वन माइनस एक्स थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू फोर। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इज लेस देन इक्वल्स टू ट्वेल्व एंड थर्ड कॉन्स्टेंट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू एंड नेक्स्ट कॉन्स्टेंट थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू एट। और x1, x2, x3 ऑल आर डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम हमारा किस है, किस फॉर्म में है? मैक्सिमाइज फॉर्म में है। मैक्सिमाइज फॉर्म में तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे सारे जो कंस्टेंट्स के जो नेचर है वो लेस देन टाइप होने चाहिए। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर दो कंस्टेंट्स ऐसे हैं जिनका नेचर इनसे डिफरेंट है। यह है ग्रेटर देन इक्वल और यह है इक्वल। तो सबसे हमारी फर्स्ट प्राइमरी टास्क क्या होगा कि इसको प्राइमल फॉर्म में बनाने के लिए सारे कॉन्स्टेंट्स क्या होने चाहिए? लेस देन टाइप में होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, वापस वही के वही प्रोसीजर करना है। तब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले प्राइमल फॉर्म में लिखेंगे इसको। प्राइमल फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपका जेड मैक्सिमाइज, तो वो तो है आपका एट एक्स वन प्लस टेन एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स कितने हैं आपके? देखिए पहला कंस्टेंट तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कितना है आपका एक्स वन माइनस एक्स थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट कंस्टेंट ये भी एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इज लेस देन इक्वल्स टू ट्वेल्व। और जो थर्ड कंस्टेंट है आप देख रहे हैं इसका जो सिंबल है वो कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल। बट हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए लेस देन इक्वल वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स वन, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री और ये सिंबल ये हो जाएगा आपका माइनस टू। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, देखिए कि ये है आपका लिखा हुआ 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 8। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक नई चीज़ क्या देख रहे हो कि आपके पास जो यहाँ पर कंस्टेंट्स हैं वो इस तरह हैं। मतलब इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब ये होता है ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल। मतलब इन दोनों का, मतलब हाफ पोर्शन ये वाला और हाफ पोर्शन ये वाला, इन दोनों को हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट इसको अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 8 और एक हो जाएगा आपका 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है स्टूडेंट, सो आपको इनइक्वालिटी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक हो जाएगा, मतलब ये जो 8 है तो 8 को एक तो इसमें और एक इसमें, तो दोनों का मतलब पूरा किसके इक्विवेलेंट है? ये 8 के इक्विवेलेंट है। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ओके, सो अब हमारे जो कंस्टेंट्स हैं तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो एज इट इज 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें स्टूडेंट देखिए इसका एक फॉर्म इस तरह आया, तो हम यहाँ पे वापस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 प्लस 2x2 और प्लस, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू माइनस 8। तो इस तरह हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका
प्राइमल कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि इतना प्राइमल फॉर्म में तो कैसे करते हैं ये तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब आप इसको क्या करते हैं, इसको ड्वेल फॉर्म में हमको चेंज करना होता है। तो स्टूडेंट इसको ड्वेल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ड्वेल फॉर्म में लिखने के लिए वही तरीका है हमारे पास, वही टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्राइमल में क्या था, जेड मैक्सिमाइज था, तो ड्वेल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी मिनिमाइज। सो जी मिनिमाइज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y1, ये हो जाएगा आपका 12y2, ये हो जाएगा माइनस 2y3, ये हो जाएगा प्लस 8y4 और ये हो जाएगा माइनस 8y5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो सॉल्यूशन वैल्यू जो राइट हैंड साइड है ये आपका किसका काम करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम करेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट हमारे कंस्ट्रेंट, तो अब हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सो स्टूडेंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखने के लिए अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स वन टू एक्स वन माइनस एक्स वन थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन। तो देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं वाई वन प्लस 2y2 माइनस y3 प्लस 3y3, फिर ये हो जाएगा थ्री वाई फोर, उसके बाद में 3y4 के बाद में माइनस 3y5। अब जो सिंबल है, पहले क्या था आपका लेस देन इक्वल, अब चूंकि मिनिमाइज के लिए कर रहे हैं तो सिंबल कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ये 4 है और ये 5 है, ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल मतलब क्या लिखे हम, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 8, तो हम यहाँ पर 8 को मेंशन कर देते हैं। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x2 वाला, तो x2 वाले कितने हैं, यहाँ पर तो x2 है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 0 × y1 में तो कोई कंस्टेंट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 × y2 माइनस y3 प्लस 2y4 माइनस 2y5 और ग्रेटर देन इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। अब उसके बाद x3 वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, सो x3 वाले टर्म्स में हम देखें तो एक ये वाला है, फिर यहाँ पर तो है ही नहीं, ये है और यहाँ पर ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये है आपका माइनस y1 यहाँ पे नहीं है तो 0 × y2, फिर ये है आपका माइनस y3, ये हो जाएगा माइनस y4 और प्लस y5 और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरह हमने इसको लिख लिया और यहाँ पे इसको हम बोल देंगे y1, y2, y3, y4, y5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में भी रीराइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये y4 और ये y5, जैसे ये y4 और ये y5, अब इन दोनों में एक चीज़ क्या है स्टूडेंट, कॉमन है। ठीक है, y4 और y5 ये दोनों क्या दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं। अब जैसे अगर यहाँ की बात करते हैं तो अगर मैं यूँ बोल सकता हूँ कि y4 माइनस y5, इसको मैं यूँ बोल सकता हूँ y-, इसको क्या बोल सकता हूँ, y- बोल सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो y4 माइनस y5 को मैं क्या करूँगा, y- बोल सकता हूँ। वैसे तो आपका सोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको रीराइट करके दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा जी मिनिमाइज। अब ये देखो वेरिएबल कितने हो गए यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में हो गए, तो इसको हम 4 में कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम इसको 4y1 प्लस 12y2 माइनस 2y3। अब चूंकि देखिए y4 माइनस y5 किसके इक्विवेलेंट है, y- के इक्विवेलेंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस
8y डैश लिख सकता हूँ इसको। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में भी चेंज होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में आप देखिए ये होगा आपका, देखिए y1 प्लस 2y2 माइनस y3। अब यहाँ पर 3 कॉमन है तो प्लस 3 कर दिया, और y4 और y5 तो y4 माइनस y5 किसके इक्विवेलेंट हुआ, y डैश के, और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सेम इसमें भी लिख सकते हैं 4y2 क्योंकि ये तो जीरो हो गया माइनस y3। अब ये 2 कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं प्लस 2y डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। नाउ नेक्स्ट कंस्टेंट्स, अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस y1, ये तो जीरो है इसको लिख दिया माइनस y3। अब चूंकि देखिए यहाँ पर साइन क्या है आपका नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, बट हमारा डिफरेंस क्या है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस ये हो जाएगा आपका y डैश और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि y1 एंड y3, y1 y2 एंड y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट y डैश इज अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, जिसको अनरिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि ये स्टूडेंट ये है, ये डिफरेंस है, कोई दो वेरिएबल का डिफरेंस है उससे इसको हमने रिप्लेस किया है, तो इसको हम क्या मानेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड मानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ड्वालिटी का आपका टॉपिक है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल है आप स्टूडेंट इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ड्वल प्रॉब्लम वाला न्यूमेरिकल है वो सारे जितने भी हमने प्रैक्टिस करी है वो आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।